हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, फटाफट सबसे पहले हम पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क का आंसर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा पिछले क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के आंसर। आपने अगर बनाया है तो इसको आप अपने बनाए हुए आंसर से मिला लीजिए, जहाँ पर भी गलतियाँ हों वहाँ पर सुधार लिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नीड का इस्तेमाल। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, मीन्स मुझे पेन की ज़रूरत है या मुझे पेन चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम नीड का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कुछ रिक्वायर हो। ओके फ्रेंड्स, आज हम उसका पास्ट सीखेंगे। पास्ट यानी कि नीड में जब पास्ट वाले सेंटेंसेज आते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन, या मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। ओके फ्रेंड्स, बट मुझे पेन चाहिए था या मुझे पेन की ज़रूरत थी, तो ऐसे जब पास्ट वाले सेंटेंस आते हैं तो हम उसको कैसे बनाते हैं। सिंपल है, जब भी नीड का पास्ट हो यानी नीड वाले सेंटेंस में पास्ट आए तो उसको हम उसका हेल्पिंग वर्ब, नीड एक वर्ब के रूप में भी आता है, इसलिए नीड का जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है वो नीडेड होता है। यानी कि पास्ट फॉर्म जो होता है, सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि नीड का जो पास्ट फॉर्म होता है वो नीडेड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, उसे गन की ज़रूरत थी तो उसे के लिए ही होता है, फिर नीड की जगह यहाँ पर नीडेड आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नीडेड अ गन। तुम्हारे पिताजी को मजदूरों की ज़रूरत थी, योर फादर needed workers। ओके फ्रेंड्स, नीडेड लगा देंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट में हमने सीखा था कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट में नीड्स लगता है, यानी नीड में एस लगता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सबके साथ नीडेड लगाएंगे, अगर ज़रूरत था, ज़रूरत थी, ज़रूरत थे, ऐसा रहेगा तो। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हम नेगेटिव सीखेंगे। नेगेटिव में जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को जब नेगेटिव में बनाना हो, उसका नेगेटिव बनाना हो, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। लेकिन इसमें दूसरा एक फार्मूला भी है, इसको भी हम समझेंगे। जैसे उसे पेन की ज़रूरत नहीं थी, तो पहला फार्मूला जो बहुत ही ईजी है, नीडेड नॉट पेन, ही नीडेड नॉट पेन। ओके फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा फार्मूला, इसमें डिड लगा कर बनाते हैं, डिड, जैसे कि हम प्रेजेंट में डू और डज लगाकर बनाते हैं ना, उसे पेन की ज़रूरत नहीं है, तो ही नीड नॉट पेन, या ही डोंट नीड पेन, या डू नॉट नीड पेन। ओके फ्रेंड्स, तो डू और डज का जो पास्ट होता है वो डिड होता है। बस आप इतना याद रखना कि डू और डज का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट में किया जाता है, प्रेजेंट सेंटेंसेस के लिए किया जाता है, और पास्ट में डू और डज का डिड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हो जाएगा यहाँ पर ही डिड नॉट नीड पेन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में डिडंट लिखा है, डिडंट इसको पढ़ते हैं, तो डिड और नॉट को साथ में मिलाते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाता है डिडंट, यानी कि कितने लोग डिडंट भी पढ़ते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट नीड पेन। ओके, और इसमें सबके साथ डिड ही लगाना है, इसमें डू और डज का जो प्रॉब्लम था प्रेजेंट में कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट में है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड लगा कर बनाइए। दूसरा फार्मूला, या तो नीडेड के बाद नॉट लगा कर बनाइए, या डिड लगा कर नॉट लगा कर फिर नीड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर नीडेड नहीं लिखना है, नीड लिखना है, इतना याद रखना। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट नीडेड हो जाएगा, फिर नॉट टू गो देयर। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम दूसरा फार्मूला इसका बनाते हैं, तो यू डिड नॉट, या डिडंट हम शॉर्ट फॉर्म में लगते हैं, डिडंट नीड टू गो देयर। ओके फ्रेंड्स, अभी बोल चाल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव में कि वर्ब अगर आता है किसी भी नीड वाले सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब से पहले टू ज़रूर लगाते हैं, बट बोल चाल में लोग अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसको सुनकर ऐसा मत समझना कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, ऐसा मत समझ लेना आप।
नहीं भी करते हैं टू का इस्तेमाल कई लोग, यू नीड गो, आई नीड नॉट गो, ऐसा बोल देते हैं लोग। ओके फ्रेंड्स, बोलचाल में ज़्यादा ग्रामर्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, बस समझने के लिए बोला जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, और ज़्यादा ग्रामर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें टू लगाते हैं अगर आप तो बहुत ज़्यादा बेटर है, अच्छा है टू लगाना। अभी हम इसका इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्वेश्चन वर्ड को सीखेंगे। यहाँ पर तीन सेंटेंसेस मैंने लिखा है। इंट्रोगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होने वाले, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी जो भी सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है यानी इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो ये ज़रूरत थी है, यानी कि नीडेड वाला है हेल्पिंग वर्ब इसमें, तो नीडेड हम पहले लिखेंगे। नीडेड ही टू ड्रिंक मिल्क, और सेकंड फार्मूला जो है वो डिड लगाकर बनाएंगे, हम पहले डिड लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, डिड ही नीड, जब डिड लग गया तो नीड आएगा, नीडेड नहीं आएगा, टू ड्रिंक मिल्क। ओके फ्रेंड्स, सब में डिड ही लगाना है, मीन्स अगर सेकंड फार्मूला से आप बना रहे हैं तो आई हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, उसमें डिड ही लगाना है। डिड ही नीड टू ड्रिंक मिल्क, उसे मुंबई जाने की जरूरत क्यों थी, तो हो आई नीडेड ही टू गो टू मुंबई। दूसरा फॉर्मूला है वाई डिड ही, डिड लगाएंगे यहाँ पर, वाई डिड ही नीड, जब भी डिड लगाते हैं हम इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में तो डिड के बाद यानी कि सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नीड लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यह इसका मेकिंग फॉर्मूला है, टू गो टू मुंबई। तो वाई डिड ही नीड टू गो टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, किसको पेन चाहिए था, किसको मीन्स किसे, किसे पेन चाहिए था यानी किसको पेन की जरूरत थी, तो यहाँ पर हम सिंपल बना देंगे हु नीडेड पेन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हु डिड नीड पेन ऐसा नहीं बोलते हैं, जब किसको या किसे लगेगा ऐसा सेंटेंस आएगा, जब किसको जरूरत है या किसे जरूरत है तो सीधा नीडेड लगा कर बना देंगे, हु नीडेड पेन, हु नीडेड पेन। ओके फ्रेंड्स, किसे बाजार जाने की जरूरत थी, हु नीडेड टू गो टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारा। उन लोगों को कार की जरूरत थी, दे नीडेड कार। उन लोगों को कार की जरूरत नहीं थी, दे नीडेड नॉट कार, या दे डिड नॉट नीड कार। क्या उन लोगों को कार की जरूरत थी, नीडेड दे कार, या डिड दे नीड कार। उन लोगों को कार की जरूरत कब थी, व्हेन नीडेड दे कार, या व्हेन डिड दे नीड कार। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट टू गो देयर। क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी, नीडेड यू टू गो देयर, या डिड यू नीड टू गो देयर। उन लोगों को यहां ठहरने की क्या जरूरत थी, व्हाई नीडेड दे टू स्टे हियर, या व्हाई डिड दे नीड टू स्टे हियर। क्या तुम्हारे पिताजी को नौकर की जरूरत नहीं थी, नीडेड योर फादर नॉट सर्वेंट, या डिड योर फादर नॉट नीड सर्वेंट। तुम्हारे भाई को परीक्षा देने की जरूरत थी, योर ब्रदर नीडेड टू टेक एग्जाम। तुम्हारे भाई को परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी, योर ब्रदर नीडेड नॉट टू टेक एग्जाम, या योर ब्रदर डिड नॉट नीड टू टेक एग्जाम। तुम्हें उस कुत्ते को मारने की जरूरत नहीं थी, यू नीडेड नॉट टू किल दैट डॉग। अगर हम जान से मारने की बात करते हैं तो किल बोलेंगे, या ऐसे ही मारने की बात करते हैं पत्थर से या डंडे से, तो आप हिट की बात, हम हिट लिख सकते हैं कि यू नीडेड नॉट टू हिट दैट डॉग। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं थी, यू नीडेड नॉट टू टॉक टू हिम, या यू डिड नॉट नीड टू टॉक टू हिम। डिड नॉट को हम डिड डिडंट भी बोल सकते हैं, नीड नॉट को हम डिडंट भी बोल सकते हैं, या डिंट भी कई लोग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें उसके साथ खेलने की जरूरत नहीं थी, वी नीडेड नॉट टू प्ले विथ हिम,
या वी डिड नॉट नीड टू प्ले विथ हिम, किसको बंदूक चाहिए था, हु नीडेड गन, उसे बंदूक क्यों चाहिए थी यानी उसे बंदूक की ज़रूरत क्यों थी, वाई नीडेड ही गन या वाई डिड ही नीड गन, क्या तुम्हें साइकिल की ज़रूरत थी, नीडेड यू साइकिल या डिड यू नीड साइकिल, तुम्हें पैदल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यू नीडेड नॉट टू गो ऑन फुट, यू डिड नॉट नीड टू गो ऑन फुट। ओके फ्रेंड्स, क्या मुझे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत थी, नीडेड आई टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, या हम मीट भी बोल सकते हैं कि नीडेड आई टू मीट डॉक्टर या डिड आई नीड टू मीट डॉक्टर, क्या मुझे उसके साथ जाने की ज़रूरत थी, नीडेड आई टू गो विथ हिम या डिड आई नीड टू गो विथ हिम, उसे क्या करने की ज़रूरत थी, What needed he to do? या What did he need to do? तुम्हें दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी, तो What needed you to close the door? या What did you need to close the door? तुम्हें वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी, You needed not to sit there. या You did not need to sit there. ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि आपको साथ ही साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया और उससे आपको ये पता चले कि हम इससे आधारित हम हज़ारों सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाती है जो मैं एक चीज़ एक फॉर्मूलेशन बताया सेंटेंस बनाने का और वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो आप किस तरीके से इससे संबंधित इससे रिगार्डिंग हज़ारों सेंटेंस बनाकर आप बोल सकते हैं, और इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने में हिंदी बनाकर फिर उसका इंग्लिश कर रहा हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिसकी भी आपने प्रैक्टिस की है फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, आप बिना सोचे ही आप इसकी इंग्लिश अच्छी तरह से बना पाएंगे। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो, और यही सोचकर मैंने प्रैक्टिस क्लासेस शुरू किया है जिसमें मैं बहुत सारे सेंटेंसेस एक फॉर्मूला बताता हूँ फिर उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको बोलकर हिंदी में फिर उसका इंग्लिश बताता हूँ, फिर बाद में मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ बहुत सारे सेंटेंसेस। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप बनाते होंगे, नहीं सीखना चाहते होंगे तो वीडियो दो मिनट देखेंगे, एक मिनट देखेंगे फिर बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरे की वीडियो देखेंगे एक मिनट फिर वहाँ से भी बाहर निकलेंगे, फिर तीसरे की वीडियो देखेंगे आधा मिनट दो मिनट फिर वहाँ से भी बाहर निकलेंगे, बस घूमते रह जाएंगे। आप एक लाइन पकड़ कर चलिए, एक ट्रैक पकड़ कर चलिए, आपको जो बताया जा रहा है अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो मैं वे शुरू किया हूँ अभी ये वे बहुत ही अच्छा है। इस वे से आप कोई भी इंसान कोई भी दोस्त अपना जो इंग्लिश नहीं जानते हैं और जो सीखना चाहते हैं वो सीख जाएंगे अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप फॉलो करो, आप अच्छी तरह से बनाओ सही सही, फिर मैच भी करो अगली क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे क्लास से कुछ भी फ़ायदा होता हो, ज़रा भी फ़ायदा हो रहा हो, तो वीडियो को देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और हमारे वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।